अगर आप सिलेक्ट करके ढूंढ के अच्छा कोई प्रोजेक्ट देखते हैं तो वो प्रोजेक्ट आपको अगले साल में तीस पैंतीस से चालीस परसेंट का देगा एंड दैट इज मच हायर देन द ट्वेंटी टू परसेंट बैंक्स आर गिविंग यू मच हायर, हाई

हम बात करते थे हमने पहले दफा लॉन्च किया था ट्वेंटी उस वक्त बैंक्स जो हैं वो दस परसेंट के करीब बारह परसेंट के करीब इनकम देते थे फ्लो और चीजें नहीं करते अब बाईस परसेंट के ऊपर दे रहे हैं एंड ट्वेंटी ट्वेंटी एंड पीपल लाइक सेफ भी चीजें भी हैं तो वाई नॉट वी कीप अर मनी इन द बैंक द प्रॉब्लम हेयर इज वेरी सिंपल एंड लॉजिकल वो ये है कि बैंक अगर ट्वेंटी टू परसेंट दे रहे हैं दैट मीनस वी हैव राइजिंग राइजिंग इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन प्रॉब्लम और पाकिस्तान की क्या है पिछले एक साल की राइजिंग इन्फ्लेशन जो है इन्फ्लेशन राइजिंग इन्फ्लेशन तो नहीं मैं कहूंगा इन्फ्लेशन जो है वॉज रिकॉर्डेड एट फोर्टी वन परसेंट आई थिंक राइट कोई ऊपर नीचे दो तीन परसेंट हो सकता है बट यू नो फोर्टी वन परसेंट अगले साल की जो एक्सपेक्टेड है वो अगेन थर्टी फाइव टू फोर्टी परसेंट के करीब है सो नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेशन थर्टी फाइव टू फोर्टी परसेंट So, मुझे आप एक बात बताएं कि जहां पे 35 फाइव टू फोर्टी परसेंट इन्फ्लेशन का चांस हो वहां पे कर, no. so, right? so, all, 22 परसेंट लेकर आर यू मेकिंग मनी नो सो व्हाट टू डू राइट बिग क्वेश्चन सो फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट कीप योर मनी इन द बैंक्स आप पैसा नहीं बना रहे यू आर नॉट मेकिंग मनी विथ 22 परसेंट रिटर्न इन 23 थ्री नो मैटर व बैंक नो मैटर आपके जो एजेंट है बैंकर उसको तो पैसा चाहिए वो जो मर्जी आपको कहता रहे बट इट इज नॉट बीटिंग इन्फ्लेशन एट एनी किसी तरीके से इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर रहा है ठीक है नाउ ना एरियाज बहुत सारे एरियाज हैं बिजनेस कर ले राइट आई एम नॉट सेइंग कि आप रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्ट करें बिजनेस करें राइट सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज कि भाई अपना बिजनेस शुरू करें कोई बिजनेस कैन मेक यू एनी वेयर टू थर्टी टू फोर्टी फाइव फोर्टी परसेंट एन एम गुड बिजनेस कैन इवन मेक यू मोर बट बिजनेस यस दे कम विद रिस्क, बट दैट इज द ओनली वे कि आप जो है वो पैसा लूज नहीं करेंगे या एटलीस्ट आप इस इन्फ्लेशन के टाइम पीरियड में साल दो साल में नहीं करेंगे क्योंकि अगर आप इसको नहीं करते हैं तो गिव्यू एन एग्जाम्पल वट है अगर आज आपके पास दस करोड़ रुपया है और आप बीस परसेंट के हिसाब से लूज कर रहे हैं 22 परसेंट आपने बैंक में रखा दिया है और आप बीस के हिसाब से लूज कर रहे हैं तो ये दस करोड़ रुपया जो है ये एक साल के बाद इसकी वैल्यू कितने के बराबर होगी सो टेक्निकली अगर आप 20% परसेंट के हिसाब से इन्फ्लेशन पे लूज कर रहे हैं तो 20% परसेंट के हिसाब से आप इन्फ्लेशन को लूज कर रहे हैं तो 10 करोड़ रुपए की वैल्यू कितनी रह जाएगी सिर्फ और सिर्फ 8 करोड़ रुपए आर यू रेडी फॉर इट इफ यू रेडी फॉर इट बैंक में रखा ठीक है इफ यू नॉट रेडी फॉर इट दैन यू हैव टू ट्राई टू डू सम थिंग द वर्स्ट थिंग इंसान जो कर सकता है ना वही है कि मैं कुछ भी नहीं करना चाहता राइट मैं बैंक चाहता हूँ चलो जी दस करोड़ तो नहीं बचेगा लेकिन चलो अठ करोड़ मैनू अठ करोड़ की वैल्यू तो मेरी रह जाएगी राइट दैट्स अ वर्स्ट थिंग यू कैन डिसाइड टू डे एंड डू टू डे सो वट्स अ बेस्ट थिंग नेक्स्ट बेस्ट थिंग यू कैन डू जो मैंने आपको बताया कि बिजनेस पे जाएंगे ट्राई टू डू समस इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी मार्केट इज चो कट डाउन है यू कैन गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज ऐसा नहीं होता कि मार्केट में अपर्चुनिटीज नहीं होती हमेशा अवेलेबल होती हैं सो so बिजनेस में कर सकते हैं राइट right? और अगर बिजनेस में नहीं करना चाहते हैं और चीजें नहीं करना चाहते हैं तो यू कैन इन्वेस्ट इन रियल स्टेट अब मोस्ट ऑफ द पीपल आर गोइंग टू से कि जी हाउ रियल स्टेट इज गोइंग टू मेक मनी इन दिस ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन के अंदर रियल स्टेट के अंदर मैंने आपको उसका तरीकेकार बताया था कि यू हैव टू गो इन कंस्ट्रक्शन बिकॉज कंस्ट्रक्शन के मटीरियल इन्फ्लेशन की वजह से ऊपर जाएंगे जब वो मेटीरियल ऊपर जाएंगे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ेंगी जब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली काफी हद तक का आपका जो थर्टी फोर्टी परसेंट इन्फ्लेशन है वो बीट हो जाएगी

कोई घर हो सकते हैं कोई बिल्डिंग्स हो सकती हैं कोई अपार्टमेंट्स हो सकते हैं वट एवर दैट इज दे यू हैव टू गो एंड दैट्स गोइंग टू गिव यू द दैज ओवर इन्फ्लेशन क्योंकि 100 परसेंट श्योर sure है कि 20 से 25 परसेंट तो उसने ग्रो करना हंड्रेड परसेंट श्योरिटी है तो दैट गिव्स यू 100 परसेंट श्योरिटी राइट लेकिन जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि इफ इफ राइट द प्राइसेस आर राइजिंग और इन्फ्लेशन इज 35 फाइव टू फोर्टी परसेंट

बैंक्स आर गिविंग यू मच हायर मच हायर राइट सो दिस इज वेर यू हैव टू गो और इन एनी केस यू आर सेफ बीस पच्चीस परसेंट तो आपको इन एनी केस यू अंडरस्टैंड दैट बीस परसेंट तो नॉट एन इश्यू एक करोड़ की चीज जो है वो साल के बाद एक करोड़ बीस लाख रुपए की क्यों नहीं मिलेगी ऑलरेडी आप यह देख लेंगे पिछले साल में जब 35 से 40 परसेंट हैज़ रहा है और चीजें रही हैं 35 चालीस परसेंट की इन्फ्लेशन हुई है तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है वो हमारा 30 से 40 परसेंट की मिनिमम ग्रोथ उसके अंदर देखने में रही है ठीक है एंड हाउ डज दैट वर्क राइट नो देर इज वन ब्यूटिफुल थिंग अबाउट लेवरेज राइट हमने बताया कि जी बाकी सेक्टर्स के अंदर लेवरेज है रियल स्टेट के अंदर भी लेवरेज है एंड इन शाली इन नेक्स्ट अपकमिंग टॉपिक हम आपसे डिस्कस करेंगे कि वो रियल स्टेट की लेवरेज को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ये पैंतीस से चालीस परसेंट इनकम ईजिली कमाने में ताकि यू कीप योर मनी हैज गेंस इन्फ्लेशन और अगेन मशवरा यही है बैंक्स में पैसे रखा कर आपको कुछ नहीं मिलना या अपना बिजनेस शुरू करें या आप रियल स्टेट कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर शुरू करें या फिर ठीक है फाइन इफ यू आ वेरी गुड ट्रेडर और आप समझते हैं कि मैं लूज करने की मेरे अंदर हिम्मत है रिस्क है जो मैंने आपको पहले बताया तो देन गो फॉर इट सो दिस इज द सीक्रेट फार्मूला एंड दिस इज़ वेयर यू हैव टू इन्वेस्ट ठीक है जी इफ यू वॉन्ट टू सेव मनी और एटलीस्ट आप ये चाहते हैं कि आपके आज के जो दस करोड़ हैं और कुछ नहीं तो एक साल के बाद वो उनकी वैल्यू दस करोड़ ही हो या आपकी जो है वर्थ वैल्यू नीचे ना जा रही हो तो दिस इज द ओनली वे यू हैव टू गो इट्स नॉट द बैंक्स थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफिज़